मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म दीवो पर। हम बात कर रहे थे उन फिल्मों के बारे में जो खेल पर आधारित है। साल 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग एक बेहद ही खास फिल्म है। ये कहानी है मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह की ये कहानी जो कि इतिहास में लिखी गई है वो पर्दे पर नजर आती है तो बेहद कमाल लगती है। ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि ना ये सिर्फ उनके जीवन से परिचित कराती है बल्कि उन सारे अनुभवों से जो कि बचपन से जवानी तक के सफर में आए थे उन सभी से हमें रूबरू कराती है। वहीं वो जब थकते हैं, वो गिरते हैं, वो फिर खड़े हो जाते हैं और वो सिर्फ दौड़ते जाते हैं। एक एथलीट की कहानी जिन्होंने इतिहास रच दिया और अपने जीवन के शिखर तक पहुँचे। इस कहानी को और खास बनाते हैं इसमें जबरदस्त एक्टिंग करने वाले वो किरदार। इन किरदारों को निभाया फरहान अख्तर ने। उन्होंने मिल्खा सिंह के इस किरदार से न्याय किया है और जबरदस्त एक्टिंग की है। वहीं सोनम कपूर बेहद अच्छी लगती हैं। किरदार छोटा है पर याद रहता है। दिव्या दत्ता का इसरा कौर का किरदार बहुत फपता है इस फिल्म पर। सारे किरदार अच्छे हैं लेकिन इस फिल्म को लोगों के दिलों तक पहुंचाया इसकी कहानी ने भी है क्योंकि ये कहानी उस खिलाड़ी की है जो हमारे देश का तिरंगा ऊपर लेकर गया और हम सभी के दिलों से जुड़ गया। वहीं जब हम ऐसी फिल्मों की बात करते हैं जो खेल पर आधारित हैं तो दंगल का नाम कैसे ना लें। साल 2013 में आई फिल्म दंगल सबसे आगे रहती है इस लिस्ट में। कारण है इसका कि हरियाणा के उस जगह की कहानी बताती है जहां पर कन्या भ्रूण हत्या का अनुपात सबसे ज्यादा है। वहां ये कहानी निकल कर आती है कि महावीर सिंह अपने बेटियों में वो सपना बुनते हैं जो कभी उनका था। पूर्व पहलवान महावीर सिंह देखते हैं कि उनकी बेटियां भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर आए और इसी उम्मीद में वो पूरी मेहनत करते हैं उन पर और उन्हें सिखाते हैं और उसी सीखने की और उसी जो सपने को पूरा करने का ये सफ़र है इस कहानी में दिखाया है। ये फिल्म उस कहानी को पर्दे पर उतारती है और एक्टिंग जो की गई है आमिर खान ने जो महावीर सिंह का किरदार निभाया है ट्रांसफॉर्मेशन पर उनको एक बहुत ज़्यादा सल्यूट किया जाना चाहिए क्योंकि वो बेहद अच्छा है। वहीं जो एक्टिंग की है दंगल गर्ल्स ने फातिमा साना ने सानिया मल्होत्रा ने जायरा वसीम ने वो बेहद खास है और बेहद स्ट्रॉन्ग भी है जो इस फिल्म को एक सफल बायोपिक के कैटेगरी में डाल देती है। जब ये जो बात आती है ये जो डायलॉग आते हैं कि मारी छुरियाँ छोरों से कम है के तो आप जब इसे सुनते हैं ये आपको याद रह जाता है और ये आपके जहन में सिर्फ यही कहता है कि ये कोई सपना किसी भी लिंग के भेद के ऊपर नहीं होता। कोई भी इसे कभी भी पूरा कर सकता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये फिल्म इस मैसेज को दूर तक पहुंचाती है और दंगल गर्ल्स की उन कहानियों को भी लोगों तक पहुंचाती है। वहीं मैरी कॉम की बात कैसे ना करें हम जब भी प्रेरणादायी बायोपिक फिल्मों की बात हो। मैरी कॉम की कहानी जिसमें मंगतई चुंग नई जैंग मैरी कॉम का किरदार है जिसमें उनके जीवन का संघर्ष है उनके जीवन की हर उस दर्द तकलीफ की गाथा है जो उन्होंने उस सफ़र में महसूस की और वो उस जज्बे की भी कहानी है उस जोश की कहानी है जो ये कहती है कि कभी हार नहीं माननी है और आगे बस चलते चले जाना है। 7 बार विश्व बॉक्सिंग में विजेता रही है मैरी कॉम। वहीं उन्होंने ना सिर्फ एशियाई खेलों में कांस्य और स्वर्ण पदक जीते हैं बल्कि लंदन ओलंपिक्स में भी कांस्य जीत चुकी हैं। उन्होंने हर जिंदगी के पड़ाव को अपनी मजबूती बनाया है कमजोरी नहीं। हर महिला के लिए एक प्रेरणा सभी के लिए समक्ष प्रस्तुत की है कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। बस मेहनत जज्बा और एक कंसिस्टेंसी चाहिए और वो उस फिल्म में दिखाई है प्रियंका चोपड़ा ने। बेहद खूबसूरत एक्टिंग की है उन्होंने और जो चित्रण है इस फिल्म का बहुत अच्छा है और इसीलिए ये एक परफेक्ट बायोपिक है। तीनों ही फिल्मों की जो हमने आज बात की है वो तीनों ही फिल्में बेहद खास हैं क्योंकि वो इसलिए भी सफल बायोपिक है क्योंकि उन्होंने जो असल जीवन के हीरोज़ हैं उनको हर भारतीय के दिलों तक पहुंचाया है पूरे विश्व से उन्हें रूबरू कराया है। जो महिलाएं जो
हरियाणा से निकल कर आई हैं, वो चारों ही अब आगे बढ़ रही हैं, उनकी कहानी को दर्शाया है, उनके संघर्ष को बताया है, वहीं मिल्खा सिंह की गाथा हम सभी तक पहुंचाई है। ये फिल्में बेहद ख़ास हैं और हमेशा रहेंगी भी, और इसीलिए बायोपिक्स हमारे देश में पसंद भी की जा रही हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों को ना सिर्फ ट्रिब्यूट देती हैं, इज्जत देती हैं, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुँचाती हैं, और वो दिल तक जाना सबसे अहम होता है। उनका यथार्थवादी जो चित्रण है वही हम सभी के दिलों में उतर जाता है, और इनका जो पर्दे पे जो इन्हें पेश किया जा रहा है खूबसूरती से, इसीलिए वो लोगों को पसंद आ रही है। आगे भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आपके लिए फिल्मों से जुड़ी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमें देखते रहिए फिल्म वीवो पर। धन्यवाद।